बाईचुड़ाईचू अबु सेबिकु का पोषण पुनर्वास केंद्र मतलब एनआरसी अस्पताल का जुमुनी अच्छा तरह टेन हाड़ी होना लेकिन इन्हीं पोषण पुनर्वास केंद्र गेन अबु गिडाकू का देखो रेखो लंटी अरुकेन गिडाकू केन चुच चुच चरेवा डे बारेन से समझवा हजेवा साबई कुगा माने विचार होना हजे अबु इज आपे साबई कुगा बोडो पोषण पुनर्वास केंद्र केन डोगी पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अरुकेन केंद्र बे मिया खूब कमजोर गिडाकू केन इलाजो डो गिडाकू देखो रेखो लंटीन एलेन डोडोवा पोषण पुनर्वास केंद्र केन म्या डॉक्टर म्या पोषण कार्यकर्ता बारी आटा उदाई बाई डोयेटा बार किंज देखो रेखो लंटी भी इनी बाई किंज ठाड़वा पोषण पुनर्वास केंद्र गेल्या टेन ईसा पर कोम गिडिया टिक्का एलेन खूब कमजोर गिडाकू देखभाल डोवा इनी केंद्रेन समझाओ गगल घल्टी अच्छा जगह म्या आटा उटू उदरवा उरा यानी रसोई घर डोम्या शौचालय भी टिक्का इनी केंद्रेन केमजोर गिडाकू आजोम भी ठाड़वा जगह टिक्का पोषण पुनर्वास केंद्रेन डाकेना टेन मुनाई साला ठाएन गिडाकू केन डोकुबा डिकू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डो आशा कार्यकर्ता बाई किच का साठोन सेवेवा पोषण पुनर्वास केंद्र खूब कमजोर गिडाकू केन का भर्ती के नियमानुसार भर्ती कुबा डेलेन डिगू केन अस्पताला डो पोषण सुधार सेवा भी जिएबा एनआरसी गेन खास आफे भर्ती नियमा पालन डाउबा एमयूएससी टेपो द्वारा नापुकुआ वजन अनुसार ऊंचाई डो वजन अनुसार लंबाई डो आफे नियम नागन साड़केम अनुसार डाउबा इन्हीं केंद्रेन खूब कमजोर गिडाकू का भर्ती बाडून रागेज आजेबा या बाने एने परीक्षण भी डाउबा एने आधार टेन गिडाकू केन अलग अलग फेजेन 14 टेन 21 दिन ताएन डोकुबा एनआरसी में जिस भी बच्चे को हम भर्ती करते हैं वो अति कुपोषित बच्चे को हम भर्ती करते हैं जो भी बच्चा हमारे यहाँ भर्ती के लिए आता है तो हम उस बच्चों को जाँच के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं यदि किसी बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी उस बच्चे का शरीर का तापमान कम होना या फिर उस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होना यानी शरीर में शुगर की मात्रा शक्कर की मात्रा का कम होना डिहाइड्रेशन होना यानी शरीर में पानी की मात्रा की कमी होना उसके साथ साथ यदि किसी बच्चे को एनीमिया रहता है यानी बच्चे के शरीर में HB कम होना हीमोग्लोबिन कम होना इन सब की जाँच के लिए हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसके साथ साथ बच्चों का एक्सरे भी किया जाता है पोषण पुनर्वास केंद्र गेन डॉक्टर खूब कमजोर गिडा केन रोजो दिन डोडो हाजेबा डो गिडा को आवश्यक अनुसार इलाज डायबा गिडा को टेन संबंधित स्वास्थ्य पोषण डो अलगो अलगो जानकारी सगुआ येने बाडोन एनआरसी रिकॉर्ड डोवा डो लिखा टिवा पोषण पुनर्वास केंद्रेन खूब कमजोर गिडाकू आयोम कुकेन कमजोरी टेन बबचाओ डो अच्छा टेन देखरेख लेंटिन मांडी से समझावा डिकुकेन रोजो का 70 रुपया ढाड़की डो पूरा भर्ती दिन का मुआवजा घटाऊआ कमजोरी गिडा गेलेन आजोबा भी ठाड जरूरी का आजोमा केन आटा भी घटाऊआ इनी वंदना बाई जी खालवा एनआरसी का पोषण प्रशिक्षक भर्ती केन आबू गिडाकू का खान पान डो आटा उठू उदरा लंटी इनी जा का इनी का बाई डिज आबू माठेन का ठाड़वा डोडी जा इनी का काम में ये जिरी जिरी गिडाकू का घाल्टी आटा उदरवा पोषण प्रशिक्षक स्वयं अपना का ध्यान टिंका गिडाकू केन खास आटा उदारेबा गिडाकू केन आफई रेंगो आटा उदराएबा F75 इनी आटा धोनेज रेंगो उदरुवा येने गाइडिडोम डो दूध पाउडर शक्कर नारियल जोजोम सुनुम डो डी कन डागा साटोन मिलावटेन उधारेबा इनी इफर गिडाकू केन जिएबा डिकू फेज म्या गेन ठाड़बा डो डिकुन चुचका संक्रमण ठाड़बा म्यासो इनी आटा तरल रूपो ठाड़बा डिनेन गाइडिडोम डो दूध पाउडर
शक्कर नारियल जोजम सुनूम डो डागेन मिलावटेन उधारे बा इन्हीं गिडा कुन मैं दिनेन इलार झोको जिए बा इनिच केन फेज बायरागेन डोएज बा डिजेन चुचका दूसरी बीमारी बाने डो इनी गिडा केन वजन का अनुसार का जीबा स्पेशल फीड इनी ठोस ताकतवार आटा ठाड़बा इनी आटा केन सिगली का पाउडर दूध पाउडर शक्कर पाउडर नारियल जोजुम सुनुम मिलाटिएगा इनी खिजा खूब केमजोर गिडाकु केन विशेष रूपो तैयार के आटा डिकु के वजन अनुसार निश्चित मात्रा निर्धारित केन समय जिएबा डीडिकुन पोषण स्थिति सुस्ती घल्टी खूब जरूरी थाड़बा नाकडोगे इनी पुष्पाबाई डो सन्नुबाई बारी भाई सेबे गिड़ा कुकेन खूब सोप सोप टेन एल्बेंडाजोल विटामिन ए मल्टीविटामिन पोटेशियम क्लोराइड डो लोह तत्व केन दवाई आन्युएबा भर्ती कुपोषित गिडा कुकेन आजोमा कुन केंद्र गेन ठाड़बा साठो साठोन कई जानकारी डो मांडी भी घालेबा जैसा साफ सफाई टीकाकरण बुचुआनु संक्रमण टेन ब बचाव गिडा कुकेन पोषण देखरेख परिवार नियोजन बारेन भी अपकेन समझकुआ पोषण पुनर्वास केंद्र गेन खूब केमजोर गिडा कुगा अंटे कुकेन केम किमिटोगा पोषक आटा उदार लंटी इटुकुआ आटा एनआरसी गेन आटा उद्रुवा देखो रेखु लंटी मिया बाई टिखनेज डी बाई इनी आटे कुकेन इठुआ यहाँ पे तो हम लोग ने कुकर में बनाए लेकिन तुम्हारे घर पे जैसे कुकर नहीं हो तो तुम लोग तपेली में बनाना है ठीक है सब क्या तपेली होगी तपेली के अंदर चावल मूंग की दाल सारी सब्जियां डाल देना है ना और नमक कोई डालेगा ठीक है यहाँ पे नमक डाला क्या नहीं डाला ना मैंने नमक यहाँ पे नमक नहीं डाल देना तो घर पे मत डालना ठीक है और ऐसे ही दलिया बना के बच्चों को देना और तपेली में देखना और जब तपेली में तुम लोग बनाओगे खिचड़ी या दलिया पोषण पुनर्वास केंद्र गेन छुट्टी डायना बाडोन 15-15 दिनें फॉलो अप घल्टी भी समझाई चाहिएबा हर महीना का 15-30 तारीख गेन फॉलो अप जांचो डाटा होना फॉलो अप करवाओ जरूरी है जे होना बन है जे तो गिड़ा केन स्वस्थ बन ममनाओ इसकी छुट्टी हो गई घर जाने के लिए मैं दवाई पिलाने के लिए दे रही हूँ उसको रोज पिलाना हाँ सुबह शाम तीन गुल सुबह तीन गुल शाम को खाना खाने के बाद देना ठीक है ये विटामिन की दवाई है और ये सर्दी खांसी की दवाई है अगर सर्दी खांसी रहती है बच्चे को तो सुबह आधा ढक्कन शाम को आधा ढक्कन खाना खाने के बाद हाँ और ये वाली रोज पिलाना खत्म हो जाए फिर आ जाना 15 दिन बाद और आना है फॉलो अप के लिए घर जाने के बाद 4 बार यहाँ पे आना है कितनी बार आना है 4 बार है ना चारों बार आना और इस कागज को साथ में लेके आना है ना 4 बार आओगे तुम तब हम यहाँ इसका वजन लेंगे तुमको दवाइयाँ देंगे है ना यहाँ पे तुमको पौष्टिक चूरा मिलेगा है ना ये पता लगाएंगे कि तुमने घर पे इसका ध्यान दिया कि नहीं दिया है ना ये चेक है ना इसको तुम कहाँ जमा करोगे तुम्हारे खाते में जमा करना है ना गिड़ा को बारी का नागा गेल दिन ठाइन भी साढ़ बकी होना रगे छाजे गिड़ा कुन ठेम ठेम टेन रगे छाजे होना गिड़ा कुन निर्धारित मात्रा जिए आटा 80% जोजो होना डो गिड़ा केन दूसरा इलाज डाडागा अस्पताल गेन जरूरत काबाने कार्यक्रम ठेन डिस्चार्ज डो डेक कारण गिड़ा को बारी का नागान साड़बाने अस्पतालेन भर्ती केन दिना टेन या साल अर्गुएन दिना बाडो 15% वजन बढ़ियो बा डो चुचका भी अस्पताल समस्या का बाने एनआरसी भी क्या हम लोग बच्चों को भर्ती करते हैं उन बच्चों में से लगभग 80% बच्चे वेट गेन कर लेते हैं और जब 4 फॉलोअप हम लेते हैं उनका 15-15 दिन के अंदर तो फॉलोअप में उनका वेट हम इंक्लूड करते हैं उसके बाद में देखते हैं कि वो बच्चा प्रोग्राम से बाहर हुआ या नहीं हुआ खंडवा जिला पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल खंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोर डो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडी ठाड़बा पोषण पुनर्वास केंद्रेन डाकेनाटेन मुनाईसाला ठाइन गिडाकुकेन डोकुबा
डिकू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डो आशा कार्यकर्ता बाई किच कसाटोन सेवेवा एनआरसी गेन खास आफे भर्ती नियमा पालन डाउबा एमयूएससी टेपो द्वारा नापुकुआ वजन अनुसार ऊंचाई डो वजन अनुसार लंबाई Thank you.